खाना खा लिया तूने? हाँ मम्मी, कर लिया मैंने लंच। आज भी लेट होगा क्या? आज लेट नहीं होंगी, आज मैं टाइम से आ जाऊंगी। अच्छा खाना खा हाँ, लिया ना पक्का? हाँ, कर लिया लंच मम्मी। अच्छा मैं ऑफिस के अंदर जा रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, ठीक है? आके बात करती हूँ, चलो बाय। सही है यार, तुम्हें इकलौते बच्चों को कितना प्यार मिलता है ना। कुछ ज्यादा ही। क्यों, इसमें क्या बुरा है? यार देख, प्यार और प्रोटेक्शन समझ आता है, लेकिन जब तुम इकलौती औलाद होते हो ना, तो वो एक अलग ही लेवल पे चलता है, तुम नहीं समझोगे। मतलब यार तुम खुद इमेजिन करना, दो लोग जिनकी जिंदगी सिर्फ तेरे अराउंड रिवॉल्व करती है, तुम क्या कर रही हो, कहाँ हो, किस पोजीशन में बैठी हो, उन्हें सब जानना है। और वैसे देख कोई स्कोप नहीं है, लेकिन अगर कभी मेरी लाइफ पे कोई बुक लिखी जाती है ना, तो उसका नाम होगा अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि देख, जवाब तो देना है ही, और जवाब सिर्फ तुम्हें ही देना है। मतलब इल्जाम लगाने का तो कोई स्कोप है नहीं ना, तुम तो इकलौते हो, कोई बचाने वाला नहीं, कोई ध्यान बटाने वाला नहीं, जो भी हो तुम ही हो बस। करोड़ी सुनो ना, बात सुनो मेरी। देखो मैं और तुम अच्छे से जानते हैं, भारत के घरों में कोई ऐसी प्रथा है नहीं कि दरवाजा नॉक करके पेरेंट्स अंदर आएंगे। घर के इकलौते बच्चे ने अगर अपना कमरा बंद कर दिया ना, तो वहीं दूर से ताना आ जाता है, बेटा बंद कमरों के पीछे गलत काम होते हैं। यार तुझे पता है, चेंज करने से पहले मैं सबसे पहली चीज ये करती हूँ कि बाहर जाके आवाज लगा दूं, चेंज कर रही हूँ इसलिए दरवाजा बंद है, वरना पता नहीं क्या क्या कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। और यार सबसे इरिटेटिंग ना रिश्तेदार होते हैं। मतलब हर एक रिश्तेदार ने मुझसे एक बेहुदा सवाल तो किया ही है, कभी भाई बहन का मन नहीं किया? अरे भाई मुझे मन करे ना करे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, और वैसे भी तुम होते कौन हो ये पूछने वाले। एंड देन दे मेक इट इवन मोर इरिटेटिंग जब ये अपने सवाल को जस्टिफाई करते हैं। अकेला बच्चा ना लोनली हो जाता है, थोड़ा इंट्रोवर्ट सा ना शाय शाय सा रहता है। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता है मुझे रोज घर जाके एक MOM देना पड़ता है अपने घर वालों को कि मेरे साथ उस दिन हुआ क्या। 12th के बाद ना मुझे लगा था मेरी लाइफ में ना थोड़ी सी छूट तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन फिर मेरी लाइफ में सेलफोन नामक धमाका आया। ये जो लोग बोलते फिरते हैं ना कि बच्चों को सेलफोन दे दो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, सबसे बड़ा स्कैम है ये। मेरे घर वालों को मेरी हर मूवमेंट ट्रैक करनी थी। एक बार पता है मेरी मेट्रो आधे घंटे लेट हो गई थी, और मेरे पापा मुझे फोन करके पूछते, मैं मेट्रो हेल्पलाइन में फोन करके पूछूं ये लेट क्यों हो रहा है? That escalated quickly. You have no idea. मतलब कॉल ना उठाने या कॉल काटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक मिस्ड कॉल काफी है, और वो वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर चुके होंगे। मतलब चाहे पिकनिक हो, स्कूल ट्रिप हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मुझे उनसे फिजिकली दूर कर दे, सब मना है। बुरा क्या है इसमें? और हाँ, वीडियो को याद से लाइक और शेयर करें। कोई भी इश्यू लाइफ में हो तो हमें कमेंट्स में बताएं, आपकी भड़ास हम निकाल लेंगे।